हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? तो जिसमें हम मतदान प्रक्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, जो इस चैप्टर में दिए हैं, वो सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, याद करना है। तो क्वेश्चन 17 देखें, मतदान प्रक्रिया में नोटा क्या है? मतदान प्रक्रिया में नोटा क्या है? तो नोटा का अर्थ क्या होता है? नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी किसी को भी आप उम्मीदवार ऐसा जो कि चुनाव में खड़ा हो रहा है और आपको पसंद नहीं है, आप उसको जो है नेता नहीं बनाना चाहते हो, तो नोटा का बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है? नोटा की विस्तारित रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। नोटा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखें, VVPAT, इसका विस्तारित रूप क्या है? VVPAT, इसकी जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतदान केंद्र पर मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मतदान केंद्र पर मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपने जो है वोट दिया होगा, देते ही हो, आप सबकी एज जो है वो 18 वर्ष से अधिक है, तो आप लोगों ने कई बार वोट दिया होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि जहां हम वोट देने जाते हैं उस केंद्र पर मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है? इसका काम होता है मतदान दल का गठन करना। मतदान दल में कितने अधिकारी होते हैं? मतदान दल में कितने अधिकारी होते हैं? तो यहाँ एक पीठासीन अधिकारी होता है और बाकी जो है वो अन्य मतदान अधिकारी भी होते हैं। अब देखिए, आपके जो रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और कई बच्चों ने गलत भी किया था। तो मतदान दल में कितने अधिकारी होते हैं? एक पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारी। ऑप्शन में आपके पीठासीन अधिकारी दिया था, तो हमने कभी सुना ही नहीं इस नाम को, इसलिए बच्चे जो हैं वो गलत कर आए। स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम क्या है? मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वोट देने के लिए आएं, इस जो जो भी प्रोसेस है निर्वाचन का वो समझें, तो उनको शिक्षित करना और सहभागिता बढ़ाने हेतु ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप वोट देंगे, किस तरीके से निष्पक्ष जो है वोट दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये एक क्या है? प्रोग्राम है। स्वीप कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? स्वीप कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो एक तो सूचित मतदान करना और दूसरा सूचित मतदान करना। सूचित मतदान यानी कि निष्पक्ष और नीति परक मतदान, ठीक है? वहां पर कोई भी, जो हम कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का घपला जो है वो ना हो, और दूसरा जागरूकता के साथ मतदान करना। स्वीप का विस्तारित रूप क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है स्वीप की? स्वीप की फुल फॉर्म है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, ठीक है? इंग्लिश में भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर इंग्लिश में भी आपको ऑप्शन दे सकता है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, तो दोनों ही आप याद रखना स्वीप की फुल फॉर्म। सूचना का अधिकार बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सूचना का अधिकार बनाने वाला देश का पहला राज्य है अपना राजस्थान। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? तो 2005 ईस्वी में बनाया, ठीक है? सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान, 2000 में ही बनाया था, मांग की थी उसने, लेकिन भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जो कि पूरे देश में लागू हुआ ये अधिनियम 2005 में बनाया। क्वेश्चन 27 देखिए, भारत सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 2009 में बनाया गया,
ठीक है, जिससे कि शिक्षा को सरल और सुलभ बनाया जा सके। तो भारत सरकार ने ये अधिनियम 2009 में बनाया, वहीं पर राजस्थान में ये अधिनियम 2010 में बनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही बात आप याद रखोगे कि भारत सरकार ने अधिनियम 2009 में बनाया और राजस्थान सरकार ने 2010 में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 में। ठीक है, अब मैंने आपको तीन बातें बताई हैं। एक तो ये बताई कि भारत सरकार ने अधिनियम जो है शिक्षा से संबंधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में बनाया, राजस्थान सरकार ने 2010 में बनाया, और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2011। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं? निजी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं? तो यहाँ 25% जो है सीटें आरक्षित होती हैं। उद्देश्य क्या रहता है? कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? तो इसे 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया। रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या है? तो ये क्या है? ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको डिटेल में ये चीज़ जो है वो बताई थी। रैनसमवेयर क्या होता है? एक तरीके का वायरस है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। मलवेयर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए मालवेयर है, मलवेयर जो आ का डंडा है माँ के ऊपर वो नहीं है, तो आप समझिए इसको। मालवेयर क्या है? मालवेयर ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म या ट्रोजन। तो ये भी एक वायरस की तरह होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम ग्रामीण और शहरी प्रशासन जो चैप्टर है, चैप्टर 9, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, वहां से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक भी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है, ना ही कोई क्वेश्चन आंसर इग्नोर करने हैं। बार बार वीडियो देखिए जिससे आपको ये याद हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।